नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस रिलेटेड टू परचेज पेट डॉग। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर आप अपनी अंग्रेजी को और अधिक मजबूत करना चाहते हैं सो आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लीजिए और नमस्ते इंग्लिश ऐप के अनलिमिटेड अकाउंट को भी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही नमस्ते इंग्लिश ऐप के अनलिमिटेड अकाउंट को ज्वाइन कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, जब भी हम लोग पेट डॉग यानी पालतू कुत्ता खरीदने जब जाते हैं तो उससे रिलेटेड हम कई तरह के सेंटेंसेस आम तौर पर बोलते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो क्या आप मेरी एक पेट डॉग खरीदने में मदद कर सकते हैं, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या दोस्तों, अगर आपको कहना हो मुझे अपने घर के लिए एक पेट डॉग चाहिए, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो मुझे पेट रखने का अनुभव बिल्कुल नहीं है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो मुझे ऐसा पेट चाहिए जिसका ज्यादा ध्यान ना रखना पड़े, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, ज्यादातर लोगों को ऐसे सेंटेंस नहीं बनाने आते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा क्या आप मेरी पेट डॉग खरीदने में मदद कर सकते हैं, तो ऐसे में आप कहेंगे कैन यू हेल्प मी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी टू बाय अ पेट डॉग। क्या आप मेरी पेट डॉग खरीदने में मदद कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कैन यू हेल्प मी। दोस्तों, कैन का मतलब होता है क्या, यू का मतलब होगा आप, हेल्प यानी मदद कर सकते हैं। कैन यू हेल्प, क्या आप मदद कर सकते हैं मेरी, तो आप कहेंगे कैन यू हेल्प मी। पेट डॉग खरीदने में, तो उसकी इंग्लिश होगी टू बाय अ पेट डॉग, तो आप कहेंगे कैन यू हेल्प मी टू बाय अ पेट डॉग। ओके, दूसरा सेंटेंस, मुझे अपने घर के लिए एक पेट डॉग चाहिए, तो आप कहेंगे आई नीड अ पेट डॉग। पेट डॉग यानी पालतू कुत्ता, मुझे एक पेट डॉग चाहिए अपने घर के लिए, तो आप कहेंगे आई नीड अ पेट डॉग फॉर माय हाउस। दोस्तों, आई यानी मैं, नीड यानी जरूरत है, आई नीड यानी मुझे जरूरत है यानी मुझे चाहिए, अ पेट डॉग यानी एक पालतू डॉग, आई नीड अ पेट डॉग फॉर माय हाउस यानी मेरे घर के लिए, आई नीड अ पेट डॉग फॉर माय हाउस। ओके, मुझे पेट रखने का बिल्कुल अनुभव नहीं है, तो ऐसे में आप कहेंगे आई डोंट हैव एक्सपीरियंस, आई डोंट हैव एक्सपीरियंस टू कीप अ पेट। मुझे एक पेट रखने का अनुभव बिल्कुल नहीं है, तो आप कहेंगे आई डोंट हैव एक्सपीरियंस टू कीप अ पेट। दोस्तों, आई यानी मुझे, डोंट यानी नहीं है, हैव यानी रखना, मुझे रखने का, आई डोंट हैव एक्सपीरियंस यानी मुझे अनुभव नहीं है, आई डोंट हैव एक्सपीरियंस। पेट रखने का, तो पेट रखने का को आप कहेंगे टू कीप अ पेट, आई डोंट हैव एक्सपीरियंस टू कीप अ पेट। ओके, ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने कहा मुझे ऐसा पेट चाहिए जिसका ज्यादा ध्यान ना रखना पड़े, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट अ पेट, मुझे ऐसा पेट चाहिए, आई वॉन्ट अ पेट विच डजंट
नीड मच अटेंशन. मुझे ऐसा पेट चाहिए जिसका ज्यादा ध्यान ना रखना पड़े. तो आप कहेंगे आई वॉन्ट अ पेट विच डजेंट नीड मच अटेंशन. दोस्तों आई यानी मुझे, वॉन्ट यानी चाहिए, आई वॉन्ट यानी मुझे चाहिए, अ पेट मुझे ऐसा पेट चाहिए, आई वॉन्ट अ पेट विच, विच का मतलब होता है जिसका, डजेंट नीड मच अटेंशन, जिसको ज्यादा ध्यान की जरूरत ना हो. तो आप कहेंगे आई वॉन्ट अ पेट विच डजेंट नीड मच अटेंशन. सो दोस्तों इस तरह से ये सेंटेंसेस बनते हैं. आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन. इफ यू रियली लाइक दिस लेसन देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नमस्ते इंग्लिश. आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर.